से भरा हुआ है और मुझे खुशी है कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जिसमें कि सेवा सबसे प्रमुख ध्येय रहता है, इतने बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर अपने आगे की शिक्षण प्रशिक्षण लेने के लिए पधारे हैं और लगातार इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। देश में नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने में ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और इसके लिए हमें और इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि हम कैसे नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों की ही नहीं विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य का सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरे मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो बच्चे अभी आए हैं उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से अपनी डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो, बहुत सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाए और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सके। धन्यवाद। अभी जितने भी यंग एज लड़की हो या लड़का हो, सभी का ध्यान MBBS की तरफ बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे? जैसे MBBS में नहीं हुआ तो ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा लाइन है, इसके लिए लोग इसमें आए और सीखे। आपने ठीक कहा, MBBS की जो हमारे पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए MBBS तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो रही है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर के साथ साथ कितने और स्टाफ चाहिए। अगर हमारे पास नर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स की या स्वास्थ्य सेवाएँ वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत ही अहम सेवा है और इसमें जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। अगर आप इसमें और प्रयास करें और आगे अपने करियर को निखारने में पूरा यत्न करें तो मैं समझता हूं कि आप MBBS से पीछे नहीं रहेंगे और आप इससे जुड़ें। आपको अगर सेवा भाव आपके मन में है तो आपके लिए मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई और करियर नहीं। लगातार सर बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्तियाँ कर रही है, क्या लग रहा है कि ANM और GNM इस तरह से लगातार कोविड के दौरान भी उन्होंने पूरे बिहार में जो सेवा भक्ति दिखाई, क्या लग रहा है कि उसका एक फलीभूत है कि ANM और GNM के लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, कोविड ने बहुत सारे लेसन हम सबको दिए। ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी आई थी और उस महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ और जन जन को हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई और इसी से इस व्यवसाय के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे और ज़्यादा युवा आगे आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा, ANM और GNM के लिए भी अब बहुत से युवा प्रशिक्षण लेकर के हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश विदेश के नागरिकों को मानवता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। हो गया एक सर, थोड़ा सा ये बता दीजिए, डॉक्टर की तरह क्या और अन्य क्षेत्र की तरह क्या पैरामेडिकल और नर्सिंग में संभावनाएं युवा वर्ग के लिए है? जैसा कि अभी सबने विस्तारपूर्वक बताया कि अभी जो हम लोगों के प्रेजेंट हम लोगों के जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत अभी आवश्यकता ज़्यादा है।
और मेडिकल कोई MBBS डॉक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर्स में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है, वो तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए समाज के लिए सेवा भाव की भावना हो उनके लिए नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए दोनों क्षेत्र अपार संभावनाओं के साथ साथ उतनी संसाधन है जो बच्चे बिहार में रह के इस तरह की पढ़ाई कर पाए या फिर सेवा दे पाए, नियुक्ति भी होनी बहुत जरूरी है। नहीं, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी विस्तार पूर्वक जाँच के बाद ही अनुमति दी जाती है। विश्वविद्यालय भी समय समय पर उसको देखता है। आज हम लोग जिस संस्थान में बैठे हैं ये 2010 से इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हो गए और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ के नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स के का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अभी आज के स्थिति में राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेज में जाके सीखने का अवसर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है। पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है यहाँ जो छात्र एडमिशन लेते हैं यहाँ करके, जैसे आज बहुत बच्चे सफल होकर निकल भी रहे हैं, तो कैंपस सिलेक्शन यहाँ है या नहीं? जहाँ तक कैंपस सिलेक्शन की बात है तो जानना होगा है और जो बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो अभी तो इतनी आवश्यकता है प्राइवेट में ही इतनी आवश्यकता है कि बच्चे जिनसे निकले जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सेवा का ज्ञान है, जिन्हें मेडिसिन का ज्ञान है, उनकी उनको कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है पास करने के तुरंत बाद इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। बोलिए, हमारे संस्थान के जो बच्चे पढ़ पास किए हैं वो बिहार के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सभी संस्थान में हमारे बच्चे कई घंटों में दोस्तों को काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्रा कॉलेज नर्सरी वो लगभग 13 वर्षों में हमारे इसकी स्थापना की है और बिहार के बाहर जितने भी लगभग एम्स है सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच को क्या संदेश देना चाहिए? हम जो नए बैच को जो बच्चे एडमिशन लिए हैं मैं चाह रहा हूँ कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्थान की टीम मिलकर उसको उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं ताकि वो अपना करियर बना सके। जो पुराने बच्चे पास आउट, मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो जिस सोच पर एडमिशन लिए हैं उस पर खरा उतरे।